बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए मिशन 80 योजना पर काम कर रही है। उसकी योजना है कि यदि वो अपने सबसे मजबूत गढ़ यूपी को बचाने में सफल हो जाती है तो 2024 में केंद्र की सत्ता में आने की उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो योजना बनाई है, यदि वो सफल हुई तो बीजेपी की इस योजना को करारी चोट लग सकती है। इससे केवल बीजेपी को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि मायावती को भी अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल चर्चा है कि कांग्रेस यूपी में अपनी वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी राज्य की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने अपने दलित नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मैदान में उतारने का प्लान बना लिया है। उन्हें बाराबंकी या इटावा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या दलित मतदाता बाहुल्य पश्चिमी यूपी से पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो अब तक मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे दलित वोटर्स की एक बड़ी संख्या कांग्रेस के पक्ष में मुड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर और अपने कठोर हिंदुत्व प्लान के जरिए दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में बड़ी सफलता पाई थी। 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी की यही योजनाओं से यूपी में बड़ी ताकत बनाने में सबसे कारगर साबित हुई है। ऐसे में यदि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में दलित कार्ड खेलती है तो इससे बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दलित कांग्रेस से क्यों जुड़ेंगे ये भी समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस का ये आइडिया आधारहीन नहीं है। कर्नाटक चुनाव में ऐसा देखा गया है कि दलित वोटर्स ने जनता दल सेक्युलर जैसी स्थानीय पार्टियों को वोट देने की बजाय निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस को वोट देना बेहतर समझा। यही कारण है कि एक तरफ जेडीएस के वोट घट गए तो कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा उछाल आ गया। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि यूपी में भी दलित वोटर्स का एक बड़ा वर्ग मायावती की प्रभावहीन होती भूमिका से निराश है। वो अपने लिए विकल्प खोज रहा है। इसी विकल्प की तलाश में अति दलित जातियों को बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन जाटव के साथ साथ कुछ जातियां अभी भी अपने लिए विकल्प तलाश रही हैं। कांग्रेस इन्हीं जातियों को अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही है। अब तक ये चर्चा थी कि कांग्रेस मायावती को इंडिया अलायंस के खेमे में लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन चुनाव पूर्व अलायंस ना करने के बसपा के इतिहास और मायावती के बयान को देखते हुए माना जा रहा है कि उनका इंडिया अलायंस में चुनाव पूर्व ना आना तय हो गया है। यही कारण है कि अब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे दलित कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। अब ये भी जान लीजिए कि मायावती क्यों हो जाएगी चित। राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार भारद्वाज ने अमर उजाला से कहा, बसपा का मतदाता देश के सबसे प्रतिबद्ध वोटर्स के रूप में देखा जाता है। किसी भी पार्टी के किसी भी झांसे में ना आते हुए वो अब तक मायावती को अपना एकमुश्त समर्थन देता रहा है। यही कारण है कि यूपी में शून्य सीटें आने के बाद भी बसपा का वोट प्रतिशत 20% के आसपास बना रहा है। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव इस मामले में आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला साबित हुआ। पहली बार मायावती के वोट बैंक में लगभग 9.35% की कमी आई, जबकि समाजवादी पार्टी के वोट फीसद में 10.24% की बढ़ोतरी हुई। समाजवादी पार्टी को चुनाव में हार के बाद भी 32% से ज्यादा वोट मिले, इतना वोट उसे मुलायम सिंह के समय में भी नहीं मिला था। ये विश्लेषण बताता है कि बसपा के वोटर्स ने मजबूत विकल्प की स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया था। स्वयं कांग्रेस के भी वोटर्स ने अखिलेश यादव को मजबूत विकल्प पाते हुए उन्हें वोट दिया, जिसके कारण उनका वोट परसेंटेज ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर हो गया। कांग्रेस अब दलित वोटर्स को लुभाकर देश के सबसे बड़े राज्य में न केवल अपनी वापसी का रास्ता तैयार करना चाहती है बल्कि मजबूत विकल्प देकर अपना अस्तित्व भी बचाना चाहती है। उसे पता है यदि उसने मजबूत विकल्प नहीं दिया तो रहे सहे वोटर्स भी विकल्प पाने की कोशिश कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।